राष्ट्रीय अर्थशिला बिहार आर्टिस्ट सिंपोजियम 2022 में भोजपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे युवा चित्रकार कौशलेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, कला, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित संस्थान तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय अर्थशिला बिहार आर्टिस्ट सिंपोजियम 2022 का आयोजन 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक बिहार के सिवान जिला जीरादेई प्रखंड के नरेंद्रपुर गांव में स्थित परिवर्तन नामक समेकित ग्रामीण सामुदायिक विकास केंद्र में किया जा रहा है। इस सिंपोजियम में बिहार से संबंध रखने वाले देश के विभिन्न प्रांतों में रहकर कार्य कर रहे 30 दृश्य कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। इस क्रम में आरा भोजपुर के युवा चित्रकार कौशलेश कुमार ने बतौर अमूर्त कलाकार आमंत्रित किया गया है। कौशलेश ने बताया कि इस संगोष्ठी में अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सीरीज हार्ट टू हार्डवेयर को एक्रेलिक एवं चारकोल माध्यम द्वारा कैनवास पर नए संयोजन में चित्रित करेंगे, जिसमें काशी के अध्यात्म का दिल से जुड़ाव को अमूर्त रूप से दिखाया जाएगा। इस आर्टिस्ट सिंपोजियम में बिहार से चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला एवं छाया चित्र से संबंध रखने वाले देश के विभिन्न प्रांतों में आए नए कलाकारों को 7 दिनों के लिए एकजुट होकर एक दूसरे की कला को समझने, बात विचार बांटने और ऐसे माहौल में अपनी विधा की कृतियां बनाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। हर शाम संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकार बारी बारी अपने स्वरचित कृतियों को प्रस्तुत करेंगे। इस सिंपोजियम में चित्रकार कौशलेश के साथ देश भर से पद्मश्री श्याम शर्मा, जाने माने फोटोग्राफर शैलेंद्र कुमार, संजीव किशोर गौतम, राजेश राम, वीरेंद्र कुमार, भुवनेश्वर भास्कर, राखी संजुदास, अर्चना सिन्हा, पंकज सिंह, मोहम्मद सुलेमान, अमित कुमार, सुनील कुमार, मनोज कुमार बच्चन, पिंटू प्रसाद, अनिल बिहारी, रंजिता कुमारी, नवीन कुमार, ज्योत्सना, रंजीत कुमार, प्रभाकर आलोक, नीतू सिन्हा, मीनाक्षी इत्यादि कलाकार मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय पटल पर अपना पहचान बना चुके चित्रकार कौशलेश कुमार कई राष्ट्रीय कार्यशाला में गोवा, मुंबई, खजुराहो, हैदराबाद, पुणे, आजमगढ़, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अमृतसर, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, पटना आदि शहरों में शामिल हो चुके हैं। मूल रूप से आरा के अनाइट के रहने वाले कौशलेश कुमार की शुरुआत शिक्षा कैथोलिक मिशन स्कूल व हित नारायण क्षत्रिय प्लस टू विद्यालय आरा एवं कला की पढ़ाई चित्रकला विभाग दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संपन्न किया है। वर्तमान में कौशलेश बतौर कला शिक्षक केंद्रीय विद्यालय BHU परिसर वाराणसी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कलात्मक पहलुओं के साथ यह समय समय पर आरा में सामाजिक जागरूकता के लिए भी आरा की सड़कों पर कार्यक्रम करते रहते हैं। साथ ही पिछले दिनों भोजपुरी चित्रकला आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाए हैं।
सुनो। आपका नाम? मेरा नाम कौशलेश कुमार है और मैं मूल रूप से आरा बिहार का रहने वाला हूँ और अभी बनारस में रहकर अपना कार्य कर रहा हूँ पेंटिंग के फील्ड में, और केंद्रीय विद्यालय में मैं BHU में आर्ट टीचर हूँ। पहली बार मुझे परिवर्तन कैंपस में यहाँ सिवान बिहार में आना हुआ। तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी नई दिल्ली का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनके मुखिया संजीव जी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे कलाकर्म को देखते हुए इस संगोष्ठी के लिए मुझे निमंत्रित किया और मैं यहाँ बतौर ऑब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट चित्रकार के रूप में आमंत्रित किया गया हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ एंट्री लिया, परिवर्तन का प्यार देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं देश में कई कैंप में शामिल हो चुका हूँ लेकिन यहाँ जैसा व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे मन में जो भी रिक्वायरमेंट आ रहे हैं वर्क को लेकर, वो पहले ही पूरा हो जा रहा है। मेरे मन में आते ही वो समान व्यवस्था हो जा रहा है। तो मैं पूरे परिवर्तन के सभी सदस्य स्टूडियो में जो कार्य कर रहे हैं उनका, गौरव जी का, सभी लोग का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था किया कर रहे हैं। मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ कैनवास से और एक्रेलिक मिक्स मीडिया है, टाइटल मेरा है हार्ड टू हार्डवेयर, उसको लेके मैं जो मेरा अपना स्टाइल होता है उस पर मैं कर रहा हूँ। कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी मैंने किया है जो तैयार होने के बाद समझ में आएगा। और आप जैसे देख सकते हैं इसमें टेक्सचर्स, गोल्डन, इन सब का जो फीलिंग्स है बिल्कुल अलग आभास दिलाता है। साथ ही इस पर जो हम फॉर्म बनाते हैं चारकोल के द्वारा, उससे एक स्पिरिचुअलिटी फील कराएगी। तो जो मैंने टाइटल रखा है हार्ट टू हार्डवेयर, दिल से मशीन तक, उसके करीब लेके जाती है। मेरा जो अधिकतर कार्य होता है वो लाइट वेस्ट होता है और मैं पुनः जो भी सिलेक्शन करने वाले हैं, जो भी आयोजन करता है क्यूरेटर प्रदम श्री श्याम शर्मा सर, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया। एवं यह जो वर्कशॉप चल रहा है, शिविर चल रहा है, ये इतना सफल हो रहा है, सबको धन्यवाद। राम शर्मा, प्रिंट मेकर, तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी नई दिल्ली ने परिवर्तन सिवान में एक बिहार के कलाकारों का कला शिविर आयोजित किया जो 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चला। इस कला शिविर में पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग इन विधा और फोटोग्राफी, इन विधाओं में बिहार के कलाकारों ने अपनी अभिव्यक्ति की है। ये सारे ही कलाकार मौलिक चिंतन, मौलिक सोच के साथ पटना, दिल्ली, मुंबई और बनारस, लखनऊ, अनेक शहरों में रहकर काम कर रहे हैं और बिहार का गौरव बढ़ा रहे हैं। तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी ने पहली बार परिवर्तन सिवान में कलाकारों का ये आयोजित किया। सभी कलाकार बहुत ही तल्लीनता से, मनोयोग के साथ काम करके अपना काम समाप्त किया और सबसे बड़ा ये कला शिविर में सायंकाल जो हर कलाकार अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था, इससे जो विचारों का आदान प्रदान होना था, इससे सब कलाकारों को बहुत ही लाभ हुआ। मानसिक, तकनीकी दोनों स्तरों पर कलाकार लाभान्वित हुए। ये कला शिविर का सह संयोजन वीरेंद्र कुमार सिंह और सुनील कुमार DPS ने बहुत ही तत्परता और बहुत ही सजगता के साथ किया और स्थानीय परिवर्तन के कर्मचारी, स्टूडियो अटेंडेंट,
सब ने कलाकारों का भरपूर सहयोग किया। मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इनकी तत्परता से, इनके सहयोग से ये कला शिविर बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ। अंत में बिहार के कलाकारों की ओर से, अपनी ओर से, मैं संजीव जी और तक्षशिला एजुकेशनल सोसाइटी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने चाक्षुष कलाकारों के लिए ये पहला कला शिविर आयोजित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश राम हूँ। मैंने बीएफए किया है पटनाट कॉलेज से और मास्टर्स कॉलेज ऑफ आर्ट से है। अभी रिसेंटली मैंने अभी बहुत सारे शोज किए हैं, सोलो, और अभी आने वाला अपकमिंग शो है सेरामिक में ही। मैं दिल्ली में रहता हूँ और परिवर्तन में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब शहरी लाइफ में अब जुड़ जाते हो, अचानक जब आते हो गांव में, एक मिट्टी का जो सुगंध होती है, जो स्मेल होती है, वो आपको काफ़ी मोहक और अपनी ज़मीनी स्तर पे अपने आप अपने घर का एहसास दिलाती है। तो यहाँ रह के मैंने कुछ कंपोजिशन तैयार किए जो दिखाना चाहूँगा। मैं भागलपुर साहेबगंज से हूँ और 7 ईयर पटना में रह के स्टडी किया, उसके बाद चल रहा है, प्रोसेस में है सारा काम। अभी एक कंपोजिशन तैयार कर रहा हूँ। प्रोसेस में है, सारा हो जाएगा। बाकी मीडियम सेरामिक है, सेरामिक स्टोन वेयर क्ले, स्टोन वेयर। और ये स्पेस स्टोन है, मैटराइट उल्का पिंड इसको बोलते हैं। ये कंपोजिशन इसके ऊपर अरेंज होगा। थोड़ा मैं हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होता हूँ और पास्ट लाइफ से इंस्पायर्ड होता हूँ, और जो सोशल करेंट सिनेरियो में जो चल रहा होता है रिसेंटली, उसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने वर्क के साथ। यही है, थॉट है, चलता है और नए नए आइडियाज आते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बिहार के सिवान ज़िले के नरेंद्रपुर ग्राम में परिवर्तन के परिसर में हम लोग बिहार के कलाकार उपस्थित हैं। हम लोगों की ये कार्यशाला इस परिवर्तन परिसर में चल रही है, जो अर्थशिला DPS द्वारा आयोजित किया गया है। बिहार कलाकार संगोष्ठी 2022 जो 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें बिहार के वरिष्ठ और युवा कलाकार जो विभिन्न विधाओं से मूर्तिकला, चित्रकला, ग्राफिक और फोटोग्राफी, इन विधाओं के कलाकार रात दिन 25 तारीख से अपने कार्य में डूबे हुए हैं। आकृतियों का वो रूप दे रहे हैं, कलाकृतियों को बनाने में लगातार वो लगे हुए हैं। मित्रों, इस कार्यशाला में चित्रकला से मैं बता दूं, जो लोग प्रतिभागी कलाकार के रूप में हैं, श्री अनिल बिहारी जी जो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, जो पेंटिंग और छापा दोनों कलाओं के कलाकार हैं, लेकिन इस कार्यशाला में श्री अनिल बिहारी जी पेंटिंग कर रहे हैं, श्री मनोज कुमार बच्चन जी जो बिहार के वरिष्ठ कलाकार हैं, चर्चित कलाकार हैं, मैं खुद श्री वीरेंद्र कुमार सिंह, श्रीमती मीनाक्षी झा बनर्जी जो महिला कलाकारों में एक सम्मानित नाम है, श्री भुवनेश्वर भास्कर, श्रीमती
संजू दास, मोहम्मद सुलेमान, अमित कुमार, कौशलेश कुमार, ये सभी अपनी अपनी विधाओं के महारत हासिल कलाकार हैं। मित्रों, अगर छापा कला की बात करूं तो छापा कला में भी पद्मश्री प्रोफेसर श्याम शर्मा जी, जो हमारे गुरुदेव हैं, प्रोफेसर श्याम शर्मा जी के बारे में मैं बता दूं कि प्रोफेसर श्याम शर्मा जी इस कार्यशाला में ग्राफिक के साथ साथ मूर्तिकला में भी ये काम कर रहे हैं, और ये देखने वाली बात होगी कि मूर्तिकला में भी वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये कार्यशाला में संभवतः उनका ये पहला मूर्तिकला का काम होगा। और श्रीमती अर्चना सिन्हा जी हैं, जो कि काफ़ी सक्रिय कलाकार हैं। श्रीमती राखी देवी जी हैं, जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना की प्राध्यापिका हैं। श्री संजीव किशोर गौतम जी हैं, जो लखनऊ से हैं और ये भी बिहार के रहने वाले हैं और कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं। श्री नवीन कुमार, जो बहुत अच्छे राष्ट्रीय स्तर के छापा कलाकार हैं। और अब मूर्तिकला की अगर बात करें तो मूर्तिकला में भी हमारे जो भी बिहार के सक्रिय कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार और युवा कलाकार, जिनकी छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है और हो रही है, श्री रजत घोष के विषय में मुझे बताना नहीं है। श्री रजत घोष को कला पारखी और कलाकार सभी लोग उनके कामों को देखते हैं और जानते हैं। रजत घोष किसी परिचय के मोहताज नहीं है। श्री राजेश राम भी राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहे हैं। श्री पंकज कुमार, इनकी भी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुकी है। श्री रामू कुमार, इनकी भी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है। श्रीमती नीतू सिन्हा, ये भी हमारी महिला कलाकारों में सक्रिय कलाकार हैं। श्री पिंटू प्रसाद, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। अब हम फोटोग्राफी की अगर बात करें तो फोटोग्राफी में श्री शैलेंद्र कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और ये कला फोटोग्राफी के रूप में जाने जाते हैं, फोटोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। और युवा छायाकार श्री रंजीत कुमार, ये इस कार्यशाला के प्रतिभागी कलाकार हैं। मैं इस कार्यशाला के आयोजक श्री संजीव कुमार जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में इतना सुंदर कार्यशाला का आयोजन हुआ। और इस कार्यशाला में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो रिसेप्शन की व्यवस्था हो, मटेरियल की व्यवस्था हो, सभी कुछ हमें मिल रहा है। और विशेष रूप से मैं यहाँ के कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार इस कार्यशाला में सक्रिय हैं, कलाकारों के साथ हैं और उनके द्वारा कलाकारों को लगातार सहयोग मिल रहा है। इसलिए विशेष रूप से यहाँ के कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।